वैसे नासिर तुमने पॉइंट अच्छा निकाला था, प्रोसिक्यूशन के लिए कुछ रहा ही नहीं कहने के लिए। बड़ी रिसर्च की होगी तुमने, क्या क्या पढ़ते रहे रात भर? बता दूं और बार एसोसिएशन से निकलवाओगे तो नहीं? नहीं नहीं बता दूं। जासूसी नॉवल पेरी मेसन। तुम्हारे वालिद का रंग झलकता है तुम्हारे स्टाइल में। मेरिक वही है, मॉडल नया है। अच्छा नासिर, हो तुम फॉरेन असेंबल? हाँ यार, काश कि मैं ड्यूटी फ्री आया होता। जब से वापस आया हूँ इस तरह केसेस में उलझ कर रह गया हूँ, किसी चीज़ के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। नासिर, केसेस तो तुम्हें विरसे में मिले हैं और इसी मुल्क में पुश्त दर पुश्त केसेस चले आ रहे हैं। सानिब सर। वालेकुम अस्सलाम। सुना है केस जीत गए हो? गुड, थैंक यू सर। आखिर आपके साहबजादे हैं सर। हाँ। देखो मियाँ, इंसान के पास अक्ल है, सिर्फ उसका इस्तेमाल आना चाहिए। नासिर की अपनी मेहनत है, काबिश है, इनकी कारकर्दगी में मैं शामिल हूँ। चलें जी, चलें। बिल्कुल ठीक हूँ जी। हैं? अभी बुलाती हूँ। अम्मी, खाला का फोन है कराची से। अच्छा आ गई। और आप कैसी हैं? फरीदा कैसी है? जी हाँ बिल्कुल ठीक है। दिखता और दिखते भी जी, दोनों से ही जान जाती है। हर की खबर से तो दोनों ही परहेज करते हैं। ये लीजिए, मम्मी से बात कीजिए। हेलो खालदा, कैसी हो भाई? है तो है। अच्छा भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। कब? इतनी जल्दी? अरे नहीं नहीं, हम लोग आएंगे जरूर। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक ठीक है, मैं ले आऊंगी। हाँ हाँ, यूसुफ भाई कैसे? मेरा उनको बहुत आदाब कहना और मेरी तरफ से पेश की मुबारकबाद भी दे देना। अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज़। क्या हुआ? शादी है फरीदा की। कब? अगले हफ्ते। उसका होने वाला शौहर अमेरिका जा रहा है, डॉक्टर है। हम जाएंगे ना भाई? हम का तो पता नहीं, मैं जाऊंगी। तुम्हारा फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट? तुम्हारे अब्बू जान। जा कहाँ रही हो? मैं कुछ पढ़ रही थी। भाई अभी तो इम्तिहान में बहुत वक्त है तुम्हारे। अम्मा क्या सिर्फ इम्तिहान के बाद इंसान पढ़ता है? तो ये सब काम कौन करेगा? ये नूरा का है? अभी तो यही थी। नूरा? ए नूरा जी, ये तुम काम के गायब कब हो जाती हो? आपने ही तो कहा था कि मेहमानों का कमरा साफ कर दूं। हो गया, बस वो लोग आने वाले होंगे। अब मैंने कोई अली बाबा का चराग तो नहीं लगाया? अलादीन का चराग। हाँ हाँ, वही अली बाबा के अलादीन, एक ही बात। इतने दिनों से गौर नहीं किया था, ये शहर काफी बदल गया है। शहर नहीं बदलते नासिर, लोग बदल जाते हैं। अल्ताफ खान आया, उसका केस मैं तुम्हें रेफर कर दूं। कुछ लोगों का खाना हजम नहीं होता जब तक वो मुकदमेबाजी में ना उलझे हुए हों।
सिर्फ अपना ख्याल रखो नासिर। फरीदा की किस्मत देखो, चट मंगनी पट गया। हम भी चलेंगे, अमान से पूछ लेना, अमान कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें खुद बहुत शौक है शहर का। भाई गए कहाँ? लाहौर आते उन्हें पर लग जाते। फरीदा तो हर साल लाहौर आती है और हमने कभी कराची भी नहीं देखा। कराची तो बहुत अरसे से मैं भी नहीं गई हूँ। सब साथ चलेंगे ना, बड़ा मजा आएगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर देना, आजकल तो कॉलेज में भी छुट्टी है। ये कौन सी नई बात है कि कॉलेज में छुट्टी? आप थे कहाँ? भाई यही थे। पता है फरीदा की शादी तय हो गई। कौन फरीदा? हालदा खाला की बेटी। अच्छा, वो लंबी वाली या वो जिसकी दोनों आंखें आपस में टकराती हैं? अमान, लंबी वाली। खूब जोड़ी है दोनों बहनों की, एक आउट ऑफ फ्रेम है और दूसरी आउट ऑफ फोकस। तुम बास नहीं होगे, तुम फोटोग्राफर ही रहोगे। भाई ये पेशा क्लिक करता है। चलोगे ना कराची? ऐसा करना, तुम मूवी कैमरा भी साथ ले लेना और शादी की फिल्म भी बना लेना। भाई इसी काम से तो पैसे कमाता हूँ और इसी कैमरे की वजह से मोटा हो गया, रोज जर्दे बिरयानी खाकर सिनेमा स्कोप हो गया। अमान भाई आप ही सिफारिश कर दें अम्मा जानी से। मैं ही नजर आया हूँ बिल्ली के गले में घंटी डालने के लिए? पहनने के लिए कपड़ा तो है नहीं, और चलिए शादी अटेंड करने। अमान भाई ना बाबा, मुझे तो डर लगता है उनका बस चले तो मुझे काल कोठड़ी में बंद करवाते। और तुम जब सारा दिन डार्क रूम में रहते हो तो डर नहीं लगता? वहां मैं नेगेटिव को पॉजिटिव में तब्दील करता हूँ और यहाँ नेगेटिव हमेशा नेगेटिव ही रहता है। अम्मा प्लीज आप करें सिफारिश। ये घर भी किसी महकमे की तरह हो गया है, सिफारिश के बगैर कोई काम ही नहीं होता। तुम तो ऐसे कामों की माहिर हो, प्लीज कोई तरकीब सोचो ना। काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? ठीक है जी। अली साहब कैसे? अब तो पहले से बहुत बेहतर है। गुड। आयशा वो यहीं कहीं होगी जी, उसे मेरे कमरे में भेज। जी अच्छा। ये कौन लड़की है भाई? मैम हूँ। आज क्या पढ़ रही हो? आज तो मेरा लिखने का दिन है, स्टोरी लिख रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, लिखा? आप मेरा आइडिया चुरा लेंगे? हाँ ये बात भी सही है, अपना आइडिया किसी को नहीं बताना चाहिए, है ना? आज आप किसी पर केस करके आए हैं? आप जीत गए? हाँ। जैसे आपको कोई प्राइज दिया? नहीं, लेकिन मुजरिम को सजा हो गई। आप जहाँ जाते हैं वहाँ नाना भी तो जाते हैं ना? हाँ, कोर्ट में ना। कोर्ट में टेनिस खेलते हैं? स्कोर क्या है? लव और नासिर को प्यार दिया तुम? खैरियत, क्या हुआ उसे? पूछ रही हो क्या हुआ? भाई आज वो अपना केस जीत गया है, अच्छा वकील बनेगा, गुड लक। आखिर बेटा किसका है? आपका। अरे हाँ, वो खालदा का टेलीफोन आया था। खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, फरीदा की शादी है। कब? अगले हफ्ते। इतनी जल्दी? वो लड़का डॉक्टर है सर में और अगले हफ्ते अमेरिका वापस जा रहा है। अच्छा, हमें भी जाना होगा। हाँ तो तुम चली जाना, मैं तो खासा मसरूफ। लेकिन खानदान की शादी है, आपका जाना भी जरूरी है। तुम जा चो रही, काफी नहीं? बच्चे भी जाना चाह रहे हैं। कोई जरूरत नहीं बच्चों को जाने की, शादी का मामला है और बच्चों का भी इसरार है, और अगर आप साथ चलेंगे ना तो अच्छा असर पड़ेगा उन पर।
मालूम है मैं इस किस्म के हंगामे बिल्कुल पसंद नहीं करता। और चाय बना दूं आपके लिए? बच्चे कभी कराची गए भी नहीं है, अच्छा रहेगा। नहीं, नासिर तो जा नहीं सकता, आज ही उसे दो केस मिले। उसकी जिंदगी तो बस कोर्ट और कचहरी के चक्रों में गुजर जाएगी। वो तो अच्छी बात है ना, मेहनत करने दो उसे, अपना कैरियर बनाने। सीमा और अमान भी जा रहे हैं तो जाए, तो मियां बीवी हैं, जहां जी जाता है जाए। लीमा को साथ ले जाऊं? नहीं, लेकिन आप तो कोर्ट में रहेंगे, मियां घर में अकेली क्या करेगी? घर पे रहेगी, पढ़ेगी, दो माह बाद इम्तिहान। आप समझते क्यों नहीं है, वहां सारा खानदान जमा होगा। देखो बेगम, जो कुछ तुम कहना चाह रही हो उसे मैं समझ रहा हूं, लेकिन जो कुछ मैं सोचता हूं उसे शायद तुम समझ नहीं पा रही। आप तो बस घर में भी वकील बने रहते हैं, अब आपसे कौन बहस करे? मैं तो क्यों करती हूं, ना करो बहस। मक्खन दीजिए जरा। जी हाँ दीजिए ना। इस बजट से मक्खन की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ा। बजट से तुम्हारी ऊंच पटांग बातों में भी कोई कमी नहीं आई। कराची में आजकल गर्मी ज्यादा नहीं है शायद? हाँ हाँ, समंदर की वजह से। ओ, आप गए हैं कराची? हाँ, बहुत दिन हुए। गालिबन अकबर बादशाह का दौरे हुकूमत था। बात दोहराने का ये तरीका बड़ा फरसूदा है बेटा। नाना बा, कराची में बच्चे होते हैं क्या? हाँ बेटा, कराची में बच्चे होते हैं, और अब तो कराची की आबादी में एक और बच्चे का इजाफा होने वाला है। चलो नासिर, तैयार हो जाओ। जी। मैं सिर्फ इसी वजह से कह रहा था, वरना बाकी आपकी मर्जी है, जो चाहे आप फैसला करें। एक बात याद रखना नासिर, जब भी जिंदगी में कोई फैसला करो तो उसकी ऊंचाई या उसकी गहराई जरूर ना भूलो, फिर तुम्हें अपने फैसले पर कभी पशिमानी नहीं होगी, कभी नदामत नहीं होगी। मेरा ख्याल है मैं तो अभी से पैकिंग शुरू कर देती हूँ। ठीक है, मैं उनसे पैकिंग कर भी ली। भाई वाह। नानी जान, मैं आपके साथ बैठूंगी जहाज में। नहीं भी नहीं, मैं तो जहाज में नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं तो रेल से जाऊंगी। तो फिर वलीमे पे ही पहुंचेंगी आप?
नहीं, ये भी कोई सफर का तरीका है। अगर खुदा ना खास्ता हवाई जहाज को कुछ हो जाए ना, तो जिस्म मुंह का भी नहीं पता चलेगा। तो कुछ होगा क्यों? आपको पता है कि सड़कों पर कितने लोग मर जाते हैं, और इससे भी ज्यादा घर में बैठे बैठे ही कूच कर जाते हैं। कैसी फजूल बातें शुरू कर दी तुमने। मैं कभी नहीं गई हवाई जहाज में। नानी जान आप घबराइए मत, मैं आपका हाथ पकड़े रहूंगी, और डरने की कोई भी बात नहीं है। हाँ बेटा वो तो ठीक है, मगर पता नहीं मुझे क्यों डर लगता है हवाई जहाज से। बस ठीक, फिर मैं अभी जाता हूँ और टिकट ले लेता हूँ, कि बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हवाई जहाज कहीं? रमेश, रमेश तो कहाँ चला जाता है, ये लड़का सुनता ही नहीं। रमेश For a week or a month or a year, and the blood in the ink of the headlines, and the sound of the crowd in my ear, you might ask what it takes to remember, when you know that you've seen it before. एक तो इस फ्रॉक में मैं तंग किया हुआ है। पहले तो फ्रंट पे जूनी रंगा करती थी, और अब मुस्तकिल चूचू रंगती रहती है। अम्मी क्या बात है, क्या कर रहे हो बेटे, आओ मेरे साथ। ओहो इतना अच्छा गाना सुन रहा था, सारा मजा किरकिरा कर दिया आपने। क्या हुआ बच्चों, आपको अप्पू बुला रहे हैं। नाउ व्हाट, चलो। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अम्मी ये कौन है? ना, ना। ये कौन सी जुबान में बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ तुम जाना नहीं, तुमसे काम है। जी बेहतर। तुम्हें तो 104 डिग्री बुखार है भाई। चलो कोई बात नहीं, इस घर में मैं ही तो हूँ जिसके पास इतनी बहुत सी डिग्रियां हैं। मगर आपको हुआ क्या? कुछ नहीं, मुझे शौक है सर पे गीला तौलिया रख के बैठने का। आई सी, मैं समझा शायद कोई नया फैशन है। फैशन तो मैं तुम्हारा बदलूंगा। क्या हुआ? कल रात तुमने गाड़ी निकाली थी। गाड़ी रात को? मैंने नहीं। झूठ बोलते हो, उसमें डेंट किसने लगाया? अबूजी गाड़ी की चाबी तो आप तकिए के नीचे रख के सोते हैं। गाड़ी सिर्फ चाबी से नहीं चलती है, मैं तुम्हारी हर चाल जानता हूँ। मैं भी कभी तुम्हारी तरह जवान था। आपका हाफसा बहुत अच्छा, आपको सब कुछ याद। कितनी बार तुमसे कहा है कि बगैर पूछे गाड़ी मत ले जाया करो, मगर नहीं, अभी उसका डेंट कौन निकालेगा? अबूजी डेंट तो अब मिस्त्री ही निकालेगा, लेकिन पैसे आपको निकालने पड़े। जवाब मत दिया करो। चुप क्यों हो, जवाब दो, बोलो। बोलो, मगर देखें पहले आप दोनों ये तय कर लीजिए कि मुझे जवाब देना चाहिए या नहीं। वैसे अबू आई एम सॉरी, गलती होगी मेरे से, आइंदा एहतियात से चलाऊंगा। तुम गाड़ी नहीं चलाओगे? ठीक है जी, नहीं चलाऊंगा। लेकिन अब जा कर रहे हो? यहाँ रहा तो मरम्मत हो जाएगी, और इस पूरे शहर में ऐसा कोई मिस्त्री नहीं जो कि मेरी डेंटिंग करे। फिर भी कहाँ जा रहा हूँ? मैं आदिल के घर जा रहा हूँ टेनिस खेलने के लिए। अबू जी, जी वो गाड़ी मिल जाती तो आपके लिए दबा ले आता। जी नहीं। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चले आप भी उठे। कहाँ भाई? भाई अब चलकर आराम करें, आपको बुखार है। बुखार? हाँ बुखार है। ओहो हो हो हाँ, अरे भाई अपने चैंपियन को लेने गए हैं। मगर हुआ क्या था? कुछ भी नहीं यार, कॉलेज से निकलते वक्त मैंने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर दिया, बस उनकी शान में गुस्ताखी हो गई। गाड़ी को ओवरटेक कर दिया और उनकी शान में गुस्ताखी हो गई,
काफी फड्डा हो गया यार। यार उस बंदे को तो मैंने बहुत मारा। बहुत अच्छा किया तुमने, दांत टूट गए, अब तो उसे कसेट लगवाना पड़ेगा मुंह में। बहुत मारा हमने हमने अगर तू तो जीप के पीछे छुपा हुआ था यार। यार मैंने सोचा कि अगर वो तुम्हें मार गिराते तो मैं मैदान में कूद पड़ता, आखिर रीइंफोर्समेंट की भी जरूरत पड़ सकती थी। अच्छा तो फिर जीप के पीछे छुपकर दुआएं कौन पढ़ रहा था? अच्छा है ना यार, एक आदमी को दुआएं भी तो मांगनी चाहिए। अब बेचारा अगर हमारा सलमान थोड़ा सा ढीला ढाला है तो क्या हुआ? उन लोगों ने आना कितने बजे? यार मैंने उनसे कहा था अपने चैंपियन को 8:30 बजे तक आइसक्रीम पार्लर पर ले आए, डंडा लड़ा लेंगे। और अगर हार गए ना तो उनके गैंग से माफी भी हम ही को मांगनी पड़ेगी और आइसक्रीम भी खिलानी पड़ेगी उनको। अच्छा लेट्स मूव। उनको नफसियाती शिकस्त देते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा चल देखते हैं, आ जाओ। अबू लोग मेहंदी में इतना गाते हैं, शादी में क्यों नहीं गाते? बेटा उस तक बहुत देर हो चुकी होती, शादी के बाद बीवी गाती है और मियां गुनगुनाता है। क्या क्या बोल याद नहीं रहते, मियां सिर्फ होंठ हिलाता है और बीवी प्लेबैक गाती है। अमान भाई एक गाना तो सुना दे। कॉलेज में मुझे फरमाइशी सर्विस भी कहा करते थे, लो सुनो। हेलो हेलो, हाँ 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 भाई आवाज आ रही है, आगे भी तो बोलो भाई। अमान भाई मैं बोल रहा हूँ, फारूक। जी जी एक मिनट जरा होल्ड कीजिए जी, सीमा तुम्हारा फोन। कौन है भाई? सुप्रीम कोर्ट। हेलो अबू, सलाम अलैकुम। हाँ भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से पहुंच गए ना? जी बिल्कुल खैरियत से। आपको एक फोन नंबर कैसे मिला अबू? हाँ खालदा को टेलीफोन किया था, उसने मुझे ये नया नंबर दिया। अच्छा अच्छा, वो दरअसल मेहमान बहुत ज्यादा हैं, खालदा खाला ने पड़ोस का घर खाली कराया रिहाइश के लिए, 2-3 कमरे हमें मिल गए यहाँ पर। अबू 4-5 रोज तक आ जाएंगे आप लोग? कभी कभार तो कराची आना होता है, 2-4 दिन तो लगेंगे ना घूमने फिरने में। आप लोग शादी अटेंड करने गए या घूमने फिरने? अम्मी कहाँ है तुम्हारी? वो खाला के साथ बाजार गई है। अबू ये आशी आपके साथ बात करना चाह रही है। आशी नाना अबू तुमसे बात करें। हेलो सलामुअलैकुम नाना अबू, कैसे हैं आप? यहाँ बड़ा मजा आ रहा है, अभी अबू ना ढोलकी पर मेहंदी सुनाएंगे। फिर मरवा दिया, सारी बलाएं मेरे सर पे ही डाल देते, मैं तो जॉगिंग करने जा रहा हूँ। जरा अपने अबू को बुलाओ टेलीफोन पर। जी अच्छा, वो तो बाहर चले गए, मामू से बात कर लीजिए आप। हेलो जी सलाम अलैकुम, नासिर बोल रहा हूँ। हाँ नासिर क्या हाल है भाई तुम्हारे? फरीदा की शादी के 4-5 दिन के बाद आ जाएंगे आप लोग? आपको शायद मालूम ना हो कि परसों कोर्ट में अल्ताफ खान के केस के सिलसिले में आपने पहुंचना है। खैर 2-4 रोज की तारीख में बढ़वा लूंगा। जी हम पहुंच जाएंगे, आप इत्मीनान रखिए। खुदा हाफिज। मार खानी है तो मार लो, अपने बंदे को उठाओ जाओ। सुनिए मैंने लतीफ से कह दिया है, वो आपको 9 बजे तक खाना दे देगा, आप उसके बाद आराम कर लेना, आपकी तबीयत ठीक नहीं। और सुनिए हम जरा देर से आएंगे आज। ये तो कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। अम्मी वो मेरी मोटरबाइक की चाबी कहाँ है? मुझे क्या मालूम। अरे कहाँ रखती मैंने? अपना देखिएगा नीचे देखो। वेरी फनी, वैसे अब्बू मुझे कोई खतरा नहीं है। वैसे तुम आज कहीं नहीं जा रहे हो, मुझे जाना है।
आप कब तक घर वापस आ जाएंगी? लिल्ला प्लीज ज्यादा देर मत कीजिएगा, मारे परेशानी के मैं सो नहीं सकता। और हाँ, वो मोटर बाइक जरा देख के चलाइएगा, वैसे भी मुझे खवातीन का ज्यादा देर तक घर से बाहर रहना पसंद नहीं। रमेश, मुझे मेहंदी पर जाना है, तुम्हारे अप्पू का बुखार अभी उतरा नहीं है, यू विल हैव टू ड्रॉप मी। ओह माय गॉड, भाई तुम समझते क्यों नहीं, हम गाड़ी में चलेंगे। वेरी गुड, मगर उस बहन का क्या होगा जो अब्बू ने लगाया? बहन की फिक्र किसने की है? तो ठीक है, मैं तैयार हो जाऊं। तो गोया आप अभी तैयार नहीं है मेंटली? और हाँ, मैं मुझे याद आया, वो आप लोगों को ड्रॉप करके ना मैंने आदिल की तरफ जाना है, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। बेहतर। एजेंडे में गाड़ी चुराने की तरकीब है क्या? मैंने कुछ सुना नहीं। चाबी मेरे तकिए के नीचे है, सुन लिया? आपने खामखा जहमत की जनाब, असल में इस मौके के लिए मैंने एक स्पेयर चाबी बना के रखी है। रोज रोज की भीख मांगने से बेहतर है कि आदमी अपनी मदद खुद ही कर ले। अच्छा, आप जाएं, तशरीफ ले जाएं। देखिए जल्दी के शादियां तैयार होगी कि नहीं, मैं आ रही हूँ बस। जी बेहतर। उधर किधर जा रहे हो? वो है रास्ता। आपा, आपा, ये बड़े ही मजेदार केक की खुशबू आ रही है घर से। क्या हम तो अब्बू की डांट खाते ही रहते। अच्छा, एक स्लाइस खा ले। एक स्लाइस मेरे जैसे आदमी के लिए जो सारी जिंदगी आपके काम करता रहा। अच्छा लो। ओह वेरी गुड, थैंक यू। वाह, आज तो बड़े डैशिंग लग रहे हो, कहाँ बिजली गिराने की ठान ली है? अग्यार के काशानों पर। फिर भी, और ये बाल तो तुम्हारे एक पल नहीं टिकेंगे तुम्हारी फटपटी पर। जी कैसी बातें कर रही हैं आप, कौन जा रहा है फटपटी पर? अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए, हम तो आपको लेने आए हैं जनाब अपने फादर की वाइट लिमोजीन पर। जल्दी करें, अम्मी आती होंगी, तैयार हूँ आप जल्दी से। अच्छा तुम खाओ, मैं अभी आए। आप, ये मेहंदी किसकी है? वही फरीदा की, तुम तो मिले हो ना उससे। वो लंबी सी? वैसे आपा बड़ी नकचढ़ी लड़की है, वो कौन है बेचारा वो बदनसीब जिसके साथ उसकी शादी हो रही? डॉक्टर है। फिर तो ठीक है, लाख छोटी कर देगा उसकी। रमेश कल प्लीज वो कॉल बेल ठीक कर दो, लोग आकर चले जाते हैं। ये तो आखिरी दमों पर। आप, आपसे एक बात पूछूं? क्या? ये आपकी मेहंदी कब होगी? क्यों, तुम भगा डालोगे? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। बाय द वे, मेहंदी का रंग पक्का होता है रमीज। बिल्कुल, बहुत प्यारी लग रही है। शुक्रिया। अच्छा बेटे, आप हमें छोड़ने के बाद ठीक 12 बजे पिक करने आ जाएंगे। जी। 12 बजे का मतलब है आज रात 12 बजे, कल दोपहर 12 बजे नहीं। नहीं। Not before, not after। अरे आप लोग जल्दी कीजिए ना, वो लोग मेहंदी पे इंतजार कर रहे होंगे। एक मिनट रमेश। जी बेटे। क्या? एक बात गौर से सुन लो, वो ये कि तुम गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना। अम्मी मैं तो ख्याल से चलाता हूँ। तुम अपनी गाड़ी को अपनी गाड़ी समझ कर चलाओ, बाप की नहीं। ठीक है, चले देर हो रही। चले यार, तू बेकार का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अपने लिए और हमारे लिए। अरे यार तुम लोगों के लिए क्या प्रॉब्लम है यार, तुम आदिल को नहीं जानते हो। हेलो रोमियो। हाय रमीज। यार रमीज, तुम आज हेलमेट के बगैर कैसे निकला है? जनाब आज हम गाड़ी पे आए। ओहो, गाड़ी पर? जी हाँ, नीचे जाके देखिए, आदिल की पजेरो के साथ पार्क्ड। क्या चक्कर है यार? जरूर कुछ कार्पेटर में कचरा है। यार तुम लोग कितने बोर हो, लड़कियां भी कोई इंतजार करने वाली चीज है। अच्छा है यार, सुधर जाएगा। कहा क्या था उसने? वो बाजी के साथ आएगी। बात करना नामुमकिन होगा पर आएगी जरूर। फिर बाजी के साथ?
कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। चल अब शायरी भी शुरू हो गई। यार ये सलमान किस खुशी में इतने मजे ले रहा है? भाई मेरा यार खुश तो मैं खुश। अच्छा मगर एक बात है, जब पिछली मर्तबा वो अपनी बाजी के साथ आई थी तो आपकी चूड़ियां क्यों खनक रही थी? अरे यार मैं तो बाजी की हील्स देख रहा था। और वो मुस्कुराई भी थी? हाँ मुस्कुराई भी थी यार। और सांस भी ले रही थी? तो यार इसमें बुरा मनाने की कौन सी बात है, मेरा मतलब है लड़कियां मुस्कुराती भी हैं और जो जिंदा होती हैं वो सांस भी लेती। यार वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अच्छा आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। अगर मैं उसकी जगह पे होता ना तो मुस्कुराता ना, कह कहे मारता। जाके जरा शीशे में अपनी शक्ल देखना। आदिल सच कह रहा है, वो आदिल की तरफ देखकर ही मुस्कुराई थी। अच्छा और आपकी ईद हो गई। चलो यार लेट्स गो फॉर अ राइड एंड पेंट द टाउन ब्लू। आज हलाल की गाड़ी मिली है, रिस्की नहीं। चल यार आज तेरी गाड़ी का फायदा उठाएं। देखा तो सही तुम कितने गियर में हो। टॉप गियर में। ठहरो ठहरो, आज ट्रीट मेरी तरफ से होगी। ओफो आज बैंक लूटा है क्या तुमने? हाँ टैंक लूटा है। चलो कहाँ रह गया ये लड़का? आ जाएगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रमीज का तो आपको मालूम ही है, एक दफा दोस्तों में मिल जाए तो सब कुछ भूल जाता है। आइए मेरे साथ चलिए। आइए। क्या ख्याल है, एक और आइसक्रीम हो जाए? नहीं यार बहुत टाइम हो गया, आई हैव टू गो। यार किसी को तुम टाइम देकर आए हो क्या? टाइम देना है? मेरे जैसा आदमी किसी लड़की को टाइम देगा? यार 12 बज गए, प्लीज फॉर गॉड से। यार 12 बजे तुम्हारी गाड़ी क्या कद्दू बन जाएगी? हाँ जी कद्दू बन जाएगी। अब मैं जाऊँ? चलो आप बैठो गाड़ी में, तुम लोगों को ड्रॉप करो। हाँ वो आदिल प्लीज वो वीडियो वाले को सेट वापस कर दो, इसे तंग किया। जल्दी करो जल्दी करो।